ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ काका जो तुम रो रहे हो। होते होते रह गया अत्या, होते होते रह गया, क्योंकि क्योंकि साई ने हमारी बच्ची गायत्री को बचा लिया। मैंने मैंने खुद देखा, साई यहीं थे पेटी को थामे हुए। मैं तो वो अभागा पिता हूं जो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच सका, लेकिन साई ने आकर उसे बचा लिया। आ गया, मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए। कल्पना छोड़, हकीकत की दुनिया में जीना सीखोगा का। और मुझे पहले ये बताओ, कैसे वो फकीर यहाँ आके गायत्री की जान बचा सकता है? वो शिरडी में, हम यहाँ बंबई में, और तुमने कहा वो यहाँ था। फिर तुम्हें छोड़ के हम में से किसी ने क्यों नहीं देखा उसे? और हमने देखा कि वो पेटी हमारे पूर्वजों की छड़ी पर टिकी हुई थी। हमारा परिवार हमारे पुरखों की महान वंशावली के लिए जाना जाता है। हमारे सभी पूर्वज धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उसमें तुम्हारे बाबा भी शामिल हैं। ये सब हमारे पुरखों के पुण्य का फल और आशीर्वाद है, जिसका श्रेय तुम उस फकीर को दे रहे हो। आत्या जरा सोचिए ना कि इस मामूली सी छड़ी पर इतनी भारी पेटी कैसे रुक सकती है, कैसे? आत्या, आत्या मैं सच कह रहा हूं, ये साई का चमत्कार है। बस काका बस, पता नहीं कहां मती मारी गई है तुम्हारी, और ऐसी बातें करके तुम हमारे पुरखों को नाराज करोगे और कुछ नहीं। और ये छड़ी हमारे पूर्वजों के साथ न जाने कितनी बार कितने तीर्थ स्थानों पर जा चुकी है, उसका पुण्य समाया होगा इसमें। और हाँ, मैं अब उस फकीर के बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती हूं। मैंने पहले भी कहा है कि वो फकीर अगर तेरा गुरु है तो तुझे बुलावा भेजे, जब वो बुलाएगा तब चले जाना, लेकिन उससे पहले तुम कुछ नहीं कहोगे और ना ही खुद उठकर शिरडी जाओगे। और अगर जाना है तो मेरी लाश पर से गुजर के जाना होगा। साई, अब आपको ही मुझे बुलाना होगा, लेकिन ये कैसे होगा? आप तो मुझे जानते तक नहीं। सारा गांव जानता है भूमि की मांग इस फकीर ने की है। मांग की है, लेकिन अपने लिए नहीं। और हम तो यहाँ सिर्फ भूमि का अवलोकन करने के लिए आए हैं, देखने आए हैं सिर्फ। ये जमीन तो उस व्यक्ति के यहाँ आने के बाद ही बेची जाएगी। फिर तो तुझे मैं ये भूमि किसी अनजान व्यक्ति को बेचने नहीं दूंगा। बिना जाने पहचाने ऐसे कैसे मैं अपने गांव की भूमि की बिक्री होने दूं? यदि वो व्यक्ति अपराधी हुआ तो बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी कारण के,
किसी भी व्यक्ति को आप जमीन खरीदने से रोक नहीं सकते सरकार। अगर वो शख्स कानून का पालन करने वाला नागरिक हुआ तो हवा में बातें मत कर गंगाराम, ये हुआ वो हुआ ऐसा होगा वैसा होगा इसमें कुछ नहीं रखा है। मुझे सारी बातें स्पष्ट चाहिए। तुझे 10 दिन का समय देता हूँ, यदि वो व्यक्ति दी गई समय सीमा के अंदर आकर ये स्पष्ट करेगा कि अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए भूमि के नए नियमों का पालन करेगा तो फिर तो ठीक है, यदि नहीं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भूमि लेने की योजना देशद्रोहियों के लिए ही थी। तुम तो जानते हो गंगाराम, इन दिनों ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों का, देशद्रोहियों का कैसे दमन कर रही है। एक बार केवल ये घोषित करने की देर है कि ये व्यक्ति देशद्रोही है, फिर और कोई साक्ष्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। फिर जीवन भर सड़ते रहो कारागार में। हरि ओ, दस दिन, केवल 10 दिन है तुम्हारे पास। साईं, वो आदमी कब आएगा? श्रद्धा और सबूरी गंगाराम। बच्चों, मटकी बन गई। हाँ साई, लेकिन कोई भी ढंग की नहीं बनी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।